गुड मॉर्निंग बच्चों, आज है डे 30 और आज के हमारे जो डेली के 5 न्यू वर्ड्स हैं उसमें हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है एप्रेंटली, APPRENTLY, एप्रेंटली मीन्स हाउ समथिंग अपीयर्स, कि कोई चीज जो है वो ऊपर से कैसे दिखाई देती है। अभी किसी ने आपको कोई बात बताई, अब उसमें कितनी सच्चाई ये नहीं पता है ना, बस उसने बता दिया आपको तो आप सोचते हैं कि सही भी हो सकता है गलत। ऊपरी तौर पे क्या आपको समझ में आ रहा है? अपरेंटली साफ साफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, अभी आपको सच्चाई नहीं पता है। तो अपरेंटली की मुझे ऐसा लग रहा है, अपरेंटली ऊपर से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अपरेंटली हाउ समथिंग अपीयर्स, ठीक है, आपको कोई बॉक्स दिया, उस बॉक्स में आपको पता नहीं अंदर क्या है, तो अपरेंटली आपने सोचा इसमें ये हो सकता है, इसमें सीट हो सकती है, इसमें गिफ्ट हो सकता है, तो अपरेंटली आपको ये लगा उसमें। देन ऑब्लिगेशन, OBLIGATION, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स टू डू समथिंग बिकॉज इट इज अ लॉ और ड्यूटी, कोई काम करना क्योंकि ये एक नियम है, कानून है, ये हमारी ड्यूटी है। जब हम उसे इस रूप में करते हैं तो एक ऑब्लिगेशन है, मतलब हमें करना ही है वो काम, चाहे हम उसे करना चाहें या नहीं, ऑब्लिगेशन है। देन कोएलिशन, अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, एक ऐसी सरकार जो दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलकर बनाती है, उसे कहते हैं कोएलिशन, COALITION, कोएलिशन। दो से अधिक पार्टी मिलके जब सरकार बनाती है उसे कहते हैं कोएलिशन। एंड डिस्टिंक्शन, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सीलेंट, अगर आपकी परीक्षा में सबसे अच्छे नंबर आते हैं तो कहते हैं आपको डिस्टिंक्शन आई है, या फिर इसका मीनिंग डिफरेंस भी होता है, फर्क करना, डिस्टिंक्शन, DISTINCTION, डिस्टिंक्शन। और लास्ट वर्ड है एलिमेंट्री, ELEMENTARY मीन्स कनेक्टेड विद द फर्स्ट स्टेज, जो शुरुआती स्टेज होती है, जो फर्स्ट स्टेज होती है, जो प्राइमरी स्टेज होती है, उसे कहते हैं हम एलिमेंट्री। जैसे प्राइमरी क्लास होती है उसे हम एलिमेंट्री क्लास भी कहते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे, प्लीज सब्सक्राइब यू लाइक इट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।